एक बूंद के प्यासे हम तेरी, एक बूंद के प्यासे हम लौटा जो दिया तूने, लौटा जो दिया तूने। चले जाएंगे जहां से हम, चले जाएंगे जहां पंछी उड़ने को बेफरार, उड़ने को बेफरार। पंख है कोमल, आंख है धुंधली, जाना है सागर पार, जाना है सागर पार। अब तू ही से समझा, अब तू ही से समझा। राह भूले थे कहाँ से हम, राह भूले थे कहाँ से हम। है मौत खड़ी, कोई क्या जाने कहाँ है सीमा, उलझन आन पड़ी, उलझन आन पड़ी। कानों में जरा कह दे, कानों में जरा कह दे कि आए कौन दिशा से हम, कि आए कौन दिशा से हम। तू प्यार का सागर है, मेरी एक बूंद के प्यासे हम, मेरी एक बूंद के प्यासे हम। उधर है मौत खड़ी, कोई क्या जाने कहाँ है सीमा, उलझन आन पड़ी, उलझन आन पड़ी। कानों में जरा कह दे, कानों में जरा कह दे कि आए कौन दिशा से हम, कि आए कौन दिशा से हम। तू प्यार का सागर है, मेरी एक बूंद के प्यासे हम, मेरी एक बूंद के प्यासे हम।
ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। आज है 31 मार्च 2021। शुरू करने से पहले सभी बताए के कल के पॉइंट एक-एक। प्रतिपन देह हाँ को बोल। भूलने का पुरुषार्थ करना है कल 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 की का। पॉइंट। और हाँ कल का था ना हाँ देह को भूलने का पुरुषार्थ करना है। जी। ओके हाँ बताइए। और बाकी सोनी बहन। हाँ प्रतिपन, कल बाबा ने कहा था महिमा तो एक सिर्फ एक बाप की ही है। ठीक है और बहुत बढ़िया। होने से बहुत बढ़िया। श्वेता बहन बताइए। ओम शांति प्रतिपन। ओम हम शांति। सतो प्रधान बनना है और प्रकृति को भी सतो प्रधान, पांचों तत्वों को सदा सतो प्रधान बनाना है हमारा वाइब्रेशन से। अच्छा ठीक है। एक बाबा ने, मेरा पॉइंट है, बाबा ने ये कहा था कि जो भी आत्मा सभी के लिए शुभ संकल्प रखती है वही वरदानी मूरत है। मनीष भाई आप बताइए। अगर किसी ने 2 पैसे दिए तो 21 जन्मों का वर्षा भी मिलता है। अरे वाह चलो बहुत बढ़िया। और बताइए चेतना बहन। मेरा तो वही है कल वाला पॉइंट प्रतिबंध की, बाबा ने कहा ना गृहस्थ व्यवहार में रहते हुए भी मुझे याद करो। हाँ करेक्ट ठीक है। और बताइए मानसी बहन। ओम शांति। तुम शांति। बताइए कल का पॉइंट। हाँ बाबा ने बोला था कि तुम बीज नहीं हो, मैं बीज हूँ, इसलिए हाँ मुझे सृष्टि के आदि मध्य अंत की सारी नॉलेज है, सब जानता हूँ। हाँ क्योंकि मैं मनुष्य सृष्टि का बीज रूप हूँ। ओके और बताइए। सोनिया दीदी आप बताएंगे। जल्दी जल्दी बताइए। ठीक है कृष्णा बहन आप बता सकते हैं। ठीक है नीतू बहन आप बताइए। ओम शांति। अपना ओम शांति कृष्णा बहन। सतयुगी संसार बनाना है, अपने विचारों से ही सतयुग आएगा, इसलिए अपने विचारों पर ही ध्यान देना है, अपने अंदर पहले सतयुग बनाना ताकि बाहर आए। बहुत बढ़िया। ओके थैंक बाबा ने यू। बाबा ने कहा था कि केवल एक 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 बाप ही पतित पावन है, वही जो सबको मैं जो पतित बोल रही। पावन बनाता है। चलो नीतू बहन और सोनिया दीदी दोनों सही। अब सोनिया दीदी आप कुछ नया बता दो। नहीं एक्चुअली 3 पॉइंट है, वो तीनों सब बोल चुके। एक महिमा योग्य सिर्फ एक बाप है, और पति हाँ पावन सिर्फ एक बाप ही बना सकता है, और और स्वर्ग की स्थापना भी सिर्फ एक बाप ही कर सकता है, वो भी हम बच्चों द्वारा। और जिसपे हम लोगों ने एक मनन किया था कि स्वर्ग जो है वो मन के वाइब्रेशन में पहले बनता है, मन में स्थापित होता है, बुद्धि में स्थापित होता है, फिर वो बाहर की ओर होता है। ठीक है। बाबा ने एक और बात बोली थी कि आत्मा अशरीरी आई थी और अशरीरी ही जाएगी। जय जो हमारा सिमरन का भी पॉइंट था। ठीक है संदीप भाई आप बताइए। नहीं, मेरा वही चल रहा था कि मन में ही स्वर्ग बनेगा तो वही कॉन्शियसनेस बाहर भी बनाएगी बाद में। तो अच्छा मतलब बनाएगी बाद में, मतलब बन रहा है, इट इज इन द प्रोसेस। ठीक है और ये भी ठीक। पॉइंट था दीदी, आत्मा बीज रूप स्थिति में स्थित होकर ही आदि मध्य अंत का राज जान सकती है। जान सकती है करे करे वाह बहुत अच्छा पॉइंट। सपना बहन आप बताएंगे कल का कोई पॉइंट। चलिए जल्दी बताइए। ठीक है तो आज हम ये प्रैक्टिस करेंगे, धारणा का पॉइंट अलग रखेंगे और ज्ञान का पॉइंट अलग, मंथन का पॉइंट अलग और धारणा का पॉइंट अलग। जितने एक दो पॉइंट हम निकाल, एक से ज्यादा पॉइंट याद रखने का अभ्यास करेंगे। ठीक है ओके हाँ ये जी ध्यान रखेंगे आज के मेले से। ओके आज है 31 मार्च 2021। बाबा ने बोला है मीठे बच्चे एक बाप ही नंबर वन एक्टर है जो पतितों को पावन बनाने की एक्ट करते हैं, बाप जैसी एक्ट कोई कर नहीं सकता। कल की दो मुख्य पॉइंट्स का आज बाबा ने मेन पॉइंट बना दिया। बाबा ने प्रश्न पूछा है सन्यासियों का योग जिस्मानी योग है, रूहानी योग बाप ही सिखलाते हैं, कैसे? उत्तर बताया बाबा ने, सन्यासी ब्रह्म तत्व से योग रखना सिखलाते हैं। अब वह तो रहने का स्थान है तो वह जिस्मानी योग हो गया।
तत्व को सुप्रीम नहीं कहा जाता। तुम बच्चे सुप्रीम रूह से योग लगाते, इसलिए तुम्हारा योग रूहानी योग है। यह योग बाप ही सिखला सकते, दूसरा कोई भी सिखला ना सके, क्योंकि वही तुम्हारा रूहानी बाप है। तो क्वेश्चन उठता है कि अगर सन्यासी ब्रह्म तत्व से योग लगाते हैं, जो कि स्थान है, तो वो जिस्मानी योग क्यों कहा गया? क्यों कहते हैं कि वो जिस्मानी योग है, रूहानी योग नहीं है? जिस्म से उसका क्या ताल्लुक? हाँ संदीप भाई बताइए। मतलब वो लोकेशन की बात हो रही है, लोकेशन मतलब एक फिजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से है, इसलिए जिस्मानी ऐसा लग रहा है। अच्छा ठीक है, और बताइए सोनी बहन। प्रतिबंध फिजिकल लेवल पर ही वो सोच पाए ना इस बात को, मैटर के लेवल पर ही तत्व मान लिया उन्होंने उसको भी, तो इसलिए रूहानी वाली बात। पर तत्व क्या, वो तो शक्तियां हैं, चैतन्य शक्तियां हैं, डांस करती हुई दिखती हैं उन्हें इधर से उधर। लेकिन प्रतिभा वो बाबा को थोड़ी ना, वो तो फिर भी रहने वाली, मतलब एनर्जी भी ठीक है, वो भी जगह रहने की है, पर बाबा को ना मान के वहां के रहने की जगह को बोल दिया ना, योग लगा लिया ना उससे, तो कनेक्शन भी कहाँ बैठा? अरे तो कैसा कनेक्शन बैठा, ये मंथन करना है। कृष्णा बहन आपकी तरफ से बहुत आवाज आ रही है, बताइए। हाँ दीदी, उन्होंने जैसे ब्रह्म तत्व जो है बाबा के रहने का स्थान है, और ब्रह्म बाबा का वो शरीर है एक तरह से रहने का स्थान, यानी जैसे मैं आत्मा इस शरीर में रहती हूँ कि मेरा घर है, ऐसे बाबा का वो घर है, तो वो उस उनसे ही वो योग लगाते हैं, मतलब बाबा से स्वयं से नहीं लगाते। ये बात भी सही है। हाँ, लेकिन दूसरी बात, ये बहुत अच्छा पॉइंट कृष्णा बहन ने बोला, लेकिन आगे सोच सकते हैं, उस तत्व से, उस शरीर से योग लगाने से क्या हुआ? हाँ नहीं तो बहन आप बताइए। वो शरीर जैसे बन गए, उन्होंने खुद को आत्मा समझ के योग नहीं लगाया, क्योंकि उन्होंने ब्रह्म को भगवान ही माना, इसलिए उससे योग लगाया, लेकिन खुद को आत्मा नहीं समझा, खुद को शरीर समझ के ही योग लगाया। अच्छा, ये बात हमें कंफर्म नहीं पता है कि सन्यासी अपने आप को शरीर मानते थे, क्योंकि वो बोलते थे कहीं ना कहीं कि हम शरीर से अलग हैं। आज भी अगर हम देखें, बहुत सारे सन्यासियों की किताबों में ये लिखा है कि मैं शरीर से अलग, डिवाइन हूँ, अलग हूँ, आत्मा हूँ, बहुत बोलते हैं ये बात। जैसे शायद अभी संदीप भाई ओम स्वामी की बुक पढ़ रहे होंगे, तो ठीक है, इसके ऊपर हम मंथन कर सकते हैं। दीदी, आत्मा में भी उनका किस लेवल तक वो पहुंचे, उस लेवल तक पहुंच पाए, ये भी फर्क पड़ता है ना, स्टेज कौन सी था उनका, आत्मा का खुद का स्थिति। एक चीज, हाँ बोलिए संदीप भाई। हाँ, एक चीज मुझे, और मतलब हम भी यहाँ पे भी हम यही, बाबा हमको ये भी सिखाता है, बताता है कि मुझे याद करो और मेरे शांति धाम को भी याद करो। तो शांति धाम तो ये ब्रह्म वाला हुआ, हुआ राइट, तो उसमें भी वो हुआ तो ब्रह्म तत्व ही राइट, वो ऐसी तो क्या फर्क है करने की चीज है कि वो भी, बाबा भी तो भाई, हाँ बाबा भी तो बोल रहा है वैसा। हाँ, और पुराने सन्यासी लोग अपने को शरीर समझते भी नहीं थे, आत्मा ही समझते थे, बहुत आत्मा समझते थे। शुरू के लोग तो तैयारी करते थे कि कब ये शरीर छोड़ के हम दूसरा शरीर लेंगे। और मैंने जैसे बताया, आप लोगों ने शायद जो एंशियंट सिविलाइजेशंस में अगर आप देख रहे हो, तो आपको ये पता चलेगा कि वो लोग तैयारी करते थे कि हाँ अब ये शरीर छोड़कर दूसरा लेना है, तो अपनी नॉलेज साथ लेकर जाना, कुछ भूलना नहीं है, जहां पर मैंने अपना काम छोड़ा है उसी से आगे मुझे वो काम करना शुरू करना है। तो काफी ज्ञानी थे। प्रतिबेन, जस्ट आई विल गिव एन एग्जांपल फॉर दिस। एक सेज था, हिज नेम वाज सुनीरा। सुनीरा वो एंशिएंट टाइम पे शिवलिंग का ये बनता है ना, यू वांटेड टू क्रिएट शिवलिंग का जो एनर्जी रहता है, ऐसा एक ह्यूमन बींग को क्रिएट करना चाहता था। So he couldn't create that one. He left his body. Like उसको पता चल गया मेरा बॉडी छोड़ने का टाइम आ गया करके. Then what he did? He went to a top 7 mountains करके. I don't remember where exactly. He went to that 7th mountain and top of that, वो 7 elements थे. They could leave his body. So he wanted to continue that because he was not aware. Like उसको समझ में नहीं आ रहा था how I can create. ये continue नहीं कर पा रहा हूँ. So I wanted to continue this one karke. So he left 7 elements, 7
चक्र से ही लेफ्ट इज बॉडी. सो नेक्स्ट जन्म ही कंटिन्यूड इस जर्नी करके लाइक आई हर्ड फ्रॉम सद्गुरु. सद्गुरु ज्ञान लिंगम कुछ एक किया है उसका ईशा फाउंडेशन में. सो वाज टेलिंग रिगार्डिंग दैट एक्चुअली करेक्ट. सी उनको पता था शरीर छोड़ के दूसरा शरीर लेने वाले हैं. लेकिन दीदी आंसर में ही क्लियर नहीं है क्या, हम सुप्रीम रूह से योग लगाते हैं इसलिए ये रूहानी योग है. वो बात सही है लेकिन वो जिस्मानी योग क्यों है, क्वेश्चन ये है. हाँ उसमें भी लिखा है कि वह तो रहने का स्थान है इसलिए वो जिस्मानी योग. ठीक है सोच सकते. हाँ हिमा दीदी ये इसलिए हो सकता है कि वो आत्मा बोलकर जानते हैं पर आत्मा का ज्ञान नहीं है पूरा. काफी ज्ञान होता है हिमा दीदी. अच्छा हमें भी देखो अभी आत्मा का कितना ज्ञान है. धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं ना हम. अच्छा अभी भी तो हम ऊपर ही उठ रहे हैं. पूरा संपूर्ण जितना ज्ञान बाबा को है आत्मा होने का उतना अपन को थोड़ी है. ज्ञान सिर्फ सुनना थोड़ी ज्ञान है, अनुभव करना और उस वो स्थिति में लाना वो ज्ञान है ना. तो कह सकते हैं हमें भी संपूर्ण नहीं है पर हम तो रूहानी योग में लगे हैं. सोच सकते हैं इसके ऊपर मंथन कर सकते हैं ना. ठीक है बाबा ने गीत चलाया है आज तू प्यार का सागर है. ओम शांति. बच्चे बहुत लोग कहते हैं ओम शांति अर्थात अपनी आत्मा को पहचान देते हैं परंतु खुद समझ नहीं सकते. ओम शांति का अर्थ बहुत निकालते हैं. कोई कहते हैं ओम माना भगवान परंतु नहीं यह आत्मा कहती है ओम शांति. अहम आत्मा का स्वधर्म है ही शांत इसलिए कहते हैं मैं शांत स्वरूप हूँ. अब हम एक और क्वेश्चन उठ सकते हैं. यहाँ पे शायद हमने पहले पूछा था संदीप भाई ने पूछा था ओम प्रेम ओम सुख ओम आनंद तो नहीं बोलते हैं हम बोलते हैं ओम शांति. तो क्या शांति ही बाकी सारे गुणों का भी मूल रूप है या नहीं है. क्या है शांति पर इतना जोर क्यों दिया है ये भी हम अपने आप से पूछ सकते हैं मंथन कर सकते हैं. बाबा कहते हैं यह मेरा शरीर है जिससे हम कर्म करते हैं. कितना सहज है. वैसे बाप भी कहते हैं ओम शांति परंतु मैं सबका बाप होने कारण बीज रूप होने कारण भी जो रचना रूपी झाड़ है कल्प वृक्ष उसके आदि मध्य अंत को जानता हूं. कल का भी हमारा ये ओपन एंडेड क्वेश्चन रह गया है कि बीज रूप होने से ही पूरे वृक्ष को क्यों जाना जा सकता है. कल का एक क्वेश्चन था ना हमने ये हमें मतलब आज भी हमें उसे मंथन करना है बाबा के अकॉर्डिंग. बाबा ने कहा जैसे तुम कोई भी झाड़ देखो तो उसके आदि मध्य अंत को जान जाओ वह बीज तो जड़ है. तो बाप समझाते हैं यह कल्प वृक्ष है इसके आदि मध्य अंत को तुम नहीं जान सकते मैं जानता हूँ. कल की पॉइंट कंटिन्यू. एक्चुअली इसमें एक चीज है जो हम रिसर्च कर सकते हैं. रूपर्ट शेल्ड्रेक है एक जिन्होंने मॉर्फिक फील्ड्स के ऊपर मॉर्फिक रेजोनेंस के ऊपर रिसर्च करी है. बहुत अच्छी बात उन्होंने बोली है कि जब जबी भी बीज को सीड को उन्होंने एनालाइज किया तो उसके पूरे जो पेड़ बनने की जो प्रक्रिया मतलब कि पेड़ बन करके वो कितना ऊपर जाएगा कितना विस्तार होगा कितने उसमें फल आएंगे क्या नहीं आएंगे वो उन्होंने अपनी रिसर्च से बीज में ही देख लिया. आप लोग इसके बारे में पढ़िएगा मॉर्फिक रेजोनेंस के बारे में कि बीज में ही उनको सारे वृक्ष का विस्तार दिख गया. साइंस ने ये चीज निकाल ली है जो पेड़ पौधों का बीज है. कई सारे बीज को उन्होंने टेस्ट किया तो एक सेकंड में दिखा देती हूँ. मॉर्फिक फील्ड्स प्लांट मुझे नहीं पता मिलेगा या नहीं मिलेगा पर ठीक है. जैसे ये इस बीज के अंदर ही उस पूरे पेड़ का विस्तार उनको दिखने लगा मतलब उसकी एक फील्ड दिखने लगी. जैसे हमारा ऑरा होता है हमारा जो सटल बॉडी है उस सटल बॉडी से हम किसी ने अगर शरीर छोड़ दे तो उसकी सटल बॉडी से देख के पता कर सकते हैं कि वो कौन था पिछले जन्म में.
ऐसे ही बीज अभी तक पेड़ बना नहीं है, लेकिन पेड़ बनने से पहले ही उसके पेड़ का विस्तार कैसे होगा, कहाँ टाल टालियां निकलेगी, कहाँ पत्ते निकलेंगे, कहाँ फल निकलेगा, वो सब वो उस बीज को देख कर पता कर पा रहा था। इसको मॉर्फिक फील्ड्स कहते हैं। तो हम उसके ऊपर थोड़ा रिसर्च कर सकते हैं। बाबा ने यहाँ बोला है, जैसे तुम कोई भी झाड़ देखो तो उसके आदि मध्य अंत को जान जाओ, वह बीज तो जड़ है। देखो बाबा भी साइंस की बात कर रहे हैं। बाबा कहते हैं, तो बाप समझाते हैं यह कल्प वृक्ष है, इसके आदि मध्य अंत को तुम नहीं जान सकते, मैं जानता हूं। मुझे कहते ही हैं ज्ञान का सागर, मैं तुम बच्चों को बैठ आदि मध्य अंत का राज समझा रहा हूं। यह जो नाटक है जिसको ड्रामा कहा जाता, जिसके तुम एक्टर्स हो, बाप कहते हैं मैं भी एक्टर हूं। बच्चे कहते हैं, हे बाबा पतित पावन एक्टर बन आओ, आकर पतितों को पावन बनाओ। मतलब जो एक्ट करते हैं, हम सभी एक्टर्स हैं क्योंकि हम सब एक्ट कर रहे हैं, कुछ ना कुछ कर्म कर रहे हैं, कुछ ना कुछ क्रिया कर रहे हैं। तो बाबा को बोलते हैं, बाबा आप इस रोल में आकर के, इस रोल में, पतित पावन के रोल में आकर के हम पतितों को पावन बनाओ। अब बाप कहते हैं मैं एक्ट कर रहा हूं, मेरा पार्ट सिर्फ इस संगम समय ही है, सो भी मुझे अपना शरीर नहीं है, मैं इस शरीर द्वारा एक्ट करता हूं, मेरा नाम शिव है। बच्चों को ही तो समझाएंगे ना, ऐसा क्यों बोला बाबा ने, बच्चों को ही समझाएंगे? हाँ श्वेता बहन, ओम शांति। ओम शांति, बोलिए। शायद देखो, वी नो बाबा एक्यूरेटली, दैट इज द रीजन वी कैन ओनली अंडरस्टैंड। वी नो बाबा एक्यूरेटली, इन द एक्यूरेटली बाबा कौन है, बट बाबा ने तो कहा है कोई कोटो में भी कोई में भी कोई में भी कोई होगा जो मुझे एक्यूरेट जानेगा, कोई इतना आसान नहीं है मुझे एक्यूरेट जानना, राइट? तो फिर कैसे हुआ? प्रतिभा ऐसी मेरे को दो बातें लग रही हैं। एक तो अगर वो शिव है तो हम सब आत्माएं हैं, है ना, उस रूप में बाबा बोल रखा है। और दूसरा, जिसको जो बच्चा बन गया उसका मतलब उसको निश्चय है, तो जिसको निश्चय होगा बाबा उसी को समझाएगा ना। ये मुझे दो बातें जो छोड़ के चले जाते हैं, और कितने कितने ही हैं बताओ आप, जिनको निश्चय हो भी नहीं है, मतलब ऐसे ही सुन रहे हैं चले गए, हाँ ठीक है अपना धंधा दोरी और चल रहा है, सब पुरानी रीति से जीवन चल रहा है, कितने ब्राह्मण ऐसे हैं। पर वो पिता जैसे तो बच्चा लगता है कि निश्चय बाद में होता है। करेक्ट। तो बाबा क्यों कहते हैं बच्चों को ही तो समझाएंगे ना? नहीं, मगर जैसे लौकिक में भी हम बोलते हैं ना, जैसे लौकिक में जब बच्चा पैदा होता है तो जैसे थोड़ा बड़ा होने लगता है तो हम उसको समझाते हैं, बताते हैं चीजें, तो एक बच्चों को ही समझाएंगे इन द सेंस, एक नेचुरल वे में भी मैं देखूं तो फादर या मतलब जो भी शिव को तो हम माँ बिलोंग अब इससे लग रही है कि बिलोंग करते हैं हम बाबा से, जैसे संदीप भाई ने बोला बहुत अच्छा, मतलब हाँ आपने सही बोला, बच्चे होते हैं लेकिन वो बिलोंग करने का आधार क्या है, कैसे कहें कि ये बच्चे हैं ये बच्चे नहीं, कहाँ पता चल रहा है बच्चे हैं, जो सामने बैठे हैं बस वही बच्चे हैं, कैसे? अच्छा। चलिए सोच सकते हैं, हाँ है ना। हाँ चेतना बहन बताइए, जिसको बाबा कहते हैं ना कि अडॉप्ट किया है, जिसको अडॉप्टेड बच्चे हैं तो शायद दैट कुड बी अ रीजन, वन ऑफ द रीजंस। अडॉप्शन सिर्फ यही हुआ कि सेंटर पे जाके 7 दिन का कोर्स किया, कैसे पता चलेगा? हाँ दीदी, ऐसे ही है कि बाबा ने तो उनको अडॉप्ट किया तभी तो बुला के उनको ज्ञान दिया, लेकिन उसमें भी सौतेले मातेले लगे सगे दो तरह के बच्चे होते हैं, हैं तो बच्चे ही जिन्होंने जान के भी नहीं मान रहे बाप को वो भी हैं, और जो जान के मान रहे हैं, मतलब जो अभी तक आए नहीं है, जो आने वाले हैं अभी तक नहीं आए हैं, उनको बाबा नहीं समझा रहे, वो बच्चे नहीं है। अब जब वो सुन ही नहीं रहे तो फिर कैसे उनको समझाएंगे, वो बच्चे हैं लेकिन अभी बने नहीं है, अडॉप्ट नहीं किया है उनको। तो मतलब मुरली पढ़ रहे हैं, मुरली में ये लाइन सुन रहे हैं तभी बाबा उनको समझा पा रहे हैं,
और कोई तरीका ज्ञान नहीं है? ठीक बाबा कहते हैं ना सम्मुख आके बताता हूँ, तो सम्मुख माना तो जो मुरली सुनते हैं पढ़ते हैं। हाँ हिमा दीदी बताइए। बाबा सबको कॉमन बताते हैं और हाँ। जो समझेंगे वो समझ के निकल आएंगे और पुरुषार्थ करके आगे बढ़ेंगे। ये तो सिर्फ मुख से बोलने से नहीं है, उसका जो पूरा यूनिवर्स में ही वो उसका वो जाता है ना, इन्फॉर्मेशन जाता है। अच्छा तो फिर बच्चा जिसको टच होगा, बच्चे सब है पर जिसको टच होगा वो आ जाएगा। और फिर बाबा ने ये क्यों कहा, बच्चों को ही तो समझाएंगे ना, ऐसे तो सबको समझाएंगे बोलते। देखो अगली लाइन में बाबा ने बोला है पाठशाला कोई बंदरों व जानवरों की तो नहीं होती है, तो यहाँ पर बाबा स्कूल बंदरों और जिसको टच होगा वो आ जाएगा पाठशाला में, वही बच्चे होंगे। दीदी से यही निकल रहा है कि जो जो ज्ञान में नहीं है बच्चे वो तो बंदर जैसे ही है ना, तो बंदरों को तो समझाएंगे नहीं, जो समझेंगे उन्हीं बच्चों को समझाएंगे, जो बच्चे माना जो साइंस वालों को देखो कितने समझदार है, हमसे ज्यादा समझदार है। प्रिपरेशन कर रहे नहीं, वो प्रिपरेशन कर रहे हैं लेकिन वो अभी बच्चे नहीं बने हैं, अगर वो बच्चे बन जाएं तो शायद वो साइंस को छोड़ के बाबा के पास आ जाए। अच्छा वो अपना पार्ट नहीं प्ले करेंगे। हाँ इसीलिए तो, इसीलिए तो बच्चे तो सारी सृष्टि बाबा के बच्चे हैं ना। बाबा ऐसा क्यों कह रहे हैं, बच्चों को ही तो समझाएंगे ना, फिर बोलते हैं सबको समझाता हूँ मैं, बच्चे या बाहर के फर्क नहीं पड़ता। ठीक है मंथन करेंगे आगे। बाबा कहते हैं पाठशाला कोई बंदरों व जानवरों की नहीं होती है। सब लोग कॉपी पेन लेकर बैठे हैं ना, मतलब जो लेकर बैठ सकते हैं। ठीक है जी। हाँ चेतना बहन तो बड़ी अच्छी स्टूडेंट है। बाबा कहते हैं परंतु बाप कहते हैं कि इन पांच विकारों के होने के कारण शक्ल तो मनुष्य जैसी है लेकिन कर्तव्य बंदरों जैसे है। अब देखो बाबा एक जगह बोल रहे हैं पाठशाला कोई बंदरों व जानवरों की नहीं होती है, परंतु बाप कहते हैं कि इन पांच विकारों के होने कारण शक्ल तो मनुष्य जैसी है लेकिन कर्तव्य बंदरों जैसे। तो बच्चे, लेकिन ऐसा तो नहीं है कि बच्चों में विकार नहीं है, पांच विकार नहीं है, ऐसा तो नहीं है। तो किस लेवल पर डिमार्केशन हो रहा है वो समझना है। बच्चों को बाबा कहते हैं, बच्चों को बाप समझाते हैं कि पतित तो सब अपने को कहलाते ही हैं, परंतु यह नहीं जानते कि हमको पतित कौन बनाते हैं और पावन फिर कौन आकर बनाते हैं। पतित पावन कौन, जिसको बुलाते हैं कुछ भी समझ नहीं सकते। यह भी नहीं जानते हम सब एक्टर्स हैं, हम आत्मा या चोला लेकर पाठ बजाती है, आत्मा परमधाम से आती है आकर पाठ बजाती है। यहाँ पर इसको इस तरह से भी समझ सकते हैं कि हम सब एक्टर्स हैं, एक्टर से मना हम सब अपने एक्ट से डिफाइन हो रहे हैं और कोई तरीका नहीं है जिससे कि ये पता चले कि अच्छा एक्टर है या बुरा एक्टर है, या अच्छा पार्ट प्ले कर रहा है बुरा पार्ट प्ले कर रहा है। सिर्फ और सिर्फ एक्ट से डिटरमाइन होता है कि हम एक्टर हैं। अगर हम ये सोचें कि हम एक्ट करना ही बंद कर दें, या फिर ये सोचें कि हमारे कर्मों से क्या फर्क पड़ता है, कोई फर्क नहीं पड़ता, जो चाहे वो करो, जैसे जीना है जियो, तो हम अपनी एक्टर्स की पदवी से नीचे आ जाते हैं और आने के कारण हम कुछ नहीं समझ पाते फिर, क्योंकि हम अपनी एक्ट में ही नहीं है तो हमारे हाथ में कुछ है नहीं। तो इसमें इवन तो जैसे मुक्ति की जो बात करते हैं वो भी मतलब एक्ट से भाग रहे हैं। करेक्ट। अब हो ही आप एक्टर्स, एक्ट तो आपको करना ही है, तो कैसे उससे दूर जाना, या फिर उसका कोई फर्क नहीं। बहुत जने बोलते ना अरे आज जी लो कल किसने देखा है, तो वो भी अपनी एक्ट को नहीं संभाल रहे है। हम एक्टर्स ही पर वो एक्ट पे ध्यान नहीं दे रहे हैं, कुछ और करने में लगे हैं, तो वो एक्टर का रोल नहीं कर रहे हैं पूरा। बाबा कहते हैं हम आत्मा या चोला लेकर पार्ट बजाती है, आत्मा परम धाम से आती है आकर पार्ट बजाती है। भारत के ऊपर ही सारा खेल बना हुआ है, भारत पावन भारत पतित किसने बनाया, रावण ने। गाते भी हैं कि रावण का लंका पर राज्य था, बाप बेहद में ले जाते हैं, हे बच्चों यह सारी सृष्टि बेहद का टापू है। बाबा बेहद में ले जाते हैं, आप बेहद का क्या मतलब है, कहाँ ले गए बाबा?
बताइए। पूरा यूनिवर्स ही बात कर रहे हैं, सारी सृष्टि बेहद कलरफुल। करेक्ट, बेहद की लंका है हर जगह, क्योंकि इसका प्रूफ ये भी है। अगर आप लोग सर्च करिएगा, एक और क्वेश्चन है मनीष भाई, आप लिख रहे हो ना, एक और क्वेश्चन है कि कैसे सन, जो सूरज है, उसकी भी प्रतिक्रिया सालों साल से बदल रही है। ऑल दो वहां तो हम इंसान है ही नहीं, पर फिर भी सूरज भी बदल रहा है। और हम तो धरती पे रहते हैं पर फिर भी सूरज में भी बदलाव आ रहे हैं, तो इसलिए हर जगह पर बदलाव। करेक्ट, तो वो क्या बदलाव आ रहे हैं पहले तो हम ये समझेंगे, रिसर्च करेंगे आज। और दूसरी बात, उससे हमें ये समझ में आएगा कि बाबा बेहद की बात करते हैं, धरती अर्थ ये समझ करके अपने आप को समेटना नहीं है। जितनी सृष्टि है, सृष्टि का मतलब ही अर्थ नहीं था, हमने एक बार याद है मंथन किया था सृष्टि वर्ड पर, सृष्टि मतलब अर्थ नहीं, सृष्टि मतलब संपूर्ण साकार सृष्टि, जो भी मैनिफेस्टेड है वो सब। बाबा उन सबकी बात करते हैं। बाबा कहते हैं, बाप बेहद में ले जाते हैं, हे बच्चों यह सारी सृष्टि बेहद का टापू है, वह तो हद की लंका है। इस बेहद के टापू पर रावण का राज्य है, पहले राम राज्य था अब रावण राज्य है। बच्चे कहते हैं, बाबा राम राज्य कहाँ था? बाप कहते हैं, बच्चे वह तो यहाँ था ना, जिसको सब चाहते हैं, यही था पर सब चाहते हैं अभी है नहीं। बाबा कहते हैं, तुम भारतवासी आदि सनातन देवी देवता धर्म के हो, हिंदू धर्म के नहीं हो। मीठे मीठे सिखी लदे लाडले बच्चों, तुम ही पहले पहले भारत में थे। भारत का क्या मतलब है बाबा, मतलब भारत कहाँ है, कौन है भारत, कहाँ पर है भारत? पूरा वर्ल्ड, पूरा वर्ल्ड भारत है। तो फिर इसका क्या मतलब है कि अगर पूरा वर्ल्ड ही भारत है तो फिर दूसरा कौन हुआ? उस समय तो इतना विस्तार नहीं था ना वर्ल्ड। बाबा कहते हैं कि भाई भारत में ही शिव की पूजा होती है, इसलिए मैं भारत में ही आता हूँ। तो बाबा जरूर दो तीन अलग चीज और भारत सबका कंपैरिजन कर रहे होंगे। अर्थ के बाहर हो सकता है। अर्थ के बाहर क्या है, भारत नहीं है? है नहीं है, तो पूरी अर्थ भारत है। हाँ, तो फिर बाकी नॉन भारत, मतलब बाहर क्या, कौन से प्लैनेट्स, क्या लगता है? मतलब सृष्टि तो बहुत बड़ी है ना, पूरा सब कुछ सृष्टि है, तो सृष्टि में एक छोटा सा पार्ट को लगता है उस डायमेंशन की बात करें जहाँ पे सत्युग था। हाँ, तो भारत तो था ना, डायमेंशन था। करेक्ट, हल्का था सब कुछ था, पर था तो मनुष्य सृष्टि ना, मनुष्य सृष्टि के बाद तो चले नहीं गए। हाँ, भारत वो है जो सिर्फ परिवर्तन होता है, विनाश नहीं हुआ। देखो बाबा कहते हैं भारत में ही शिव की पूजा होती है, बोलते हैं बाबा मैं भारत में ही आता हूँ। आप बताओ, आप मक्का मदीना में जाओ, अंदर शिवलिंग ही रखा है। जीसस क्राइस्ट के वहां जाओ, जहां पर उनका ज्यूस का कैथलिक जो चर्च है, वहां पर भी शिवलिंग ही रखा है। कई कोनों में जहां पूजाएं हो रही है वहां शिवलिंग ही रखा है। तो क्या भारत यही है इंडिया? तो दीदी, उसको शिव मान के पूजा नहीं कर रहे ना वो लोग? अब नहीं मान रहे नहीं, ना? नहीं, 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 अगर नहीं भी कर रहे, लेकिन शिवलिंग है तो शिव ही हुआ ना वो, अपन थोड़ा बोल सकते वो पूजा करे नहीं करे। नहीं नहीं, पहचान ही नहीं है तो फिर क्या, पहचान से ही तो सब कुछ चले, जैसे बाप को पहचाना तब हम बच्चे बने। हम ही लोगों ने वो स्थापित किया हो, हम ही ने किया है, हम ही ने किया है सबसे पहले। मक्का मदीना अखंड भारत में आता है, मक्का मदीना अखंड भारत, अखंड भारत में सारे वो आते हैं। हाँ, सारा अरब कंट्री, सारा कुछ आता, सब कुछ आता है। वो जो दीदी एक क्लास सुनी थी मैंने, उसमें था जो अभी भी एक खंड है ना, एक दूसरे से जो जुड़े हुए हैं रसिया तक, वो सारे उसी में आते हैं अखंड भारत में। हाँ,
इधर भी इंडोनेशिया वगैरह जो कनेक्टेड है अर्थ से कनेक्टेड है वो सारे अखंड भारत में आते हैं, एक टुकड़ा जो है बाकी नहीं आते। हाँ मतलब उनका तो ये कहना था कि जब सतयुग होता है तो इतना बड़ा विस्तार होता है भारत का, ये सारा बोल रहे हो आप तो ऑस्ट्रेलिया हाँ, ब्राजील, यूनाइटेड नेशंस, यूनाइटेड स्टेट्स, ग्रीनलैंड नहीं आता है। हाँ ये नहीं आती तो बल्कि एंटार्क्टिका। हाँ बोलिए। भारत वो है जहाँ जहाँ बाबा के बच्चे थे, बाबा के बच्चे तो पूरी दुनिया में थे संगम युग में, तो अभी तो पूरी दुनिया में फैले हुए हैं, 140 कंट्रीज में तो है ही। सभी भारत है। प्रतिबेन, गूगल का हिसाब से भारत आप बोले तो one who is engaged in search of knowledge, करेक्ट। अब भारत बोले तो फायर है, बार अब टू कैरी एंड अ सेकेंड या मेन फायर भारत माता या वन हु इज एंगेज्ड इन सर्च ऑफ नॉलेज, करेक्ट। तो वो तो हर जगह, वो तो एक तरह की स्टेट ऑफ बीइंग है, वन इन सर्च ऑफ नॉलेज, राइट? यस 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 या पर फिजिकल क्या होगा वो सोचना है। चलिए ठीक है, इस पे हम मंथन करेंगे। बाबा कहते हैं, तुम भारतवासी आदि सनातन देवी देवता धर्म के हो, हिंदू धर्म के नहीं हो। मीठे मीठे सिक्की लदे लाडले बच्चों, तुम ही पहले पहले भारत में थे। तुमको वह सतयुग का राज्य किसने दिया था? जरूर हेवनली गॉडफादर ही यह वर्षा देंगे। बाप समझाते हैं कि कितने और धर्मों में कन्वर्ट हो गए। मुसलमानों का जब राज्य था तो बहुतों को मुसलमान बनाया, क्रिश्चियन का राज्य था तो बहुतों को क्रिश्चियन बनाया। ये देख रहे होंगे आप एंशियंट सिविलाइजेशन में, कल देखा आप लोगों ने? कल नहीं देखा, पर वहां पे यही सारी बातें चल रही है ना कि कैसे हमारा धर्म परिवर्तन होने के कारण कितनी सारी नॉलेज छूट गई। बाबा कहते हैं, बौद्धियों का तो यहाँ राज्य भी नहीं हुआ तो भी बहुतों को बौद्धि बनाया, कन्वर्ट किया है अपने धर्म में। आदि सनातन धर्म जब प्रायलोप हो जाए तब तो फिर उस धर्म की स्थापना हो। ऐसा क्यों कह रहे हैं बाबा? आदि सनातन धर्म जब प्रायलोप हो जाए, अभी बाबा ने आदि सनातन देवी देवता धर्म नहीं बोला है, आदि सनातन धर्म जब प्रायलोप हो जाए तब तो फिर उस धर्म की स्थापना हो। नोट कर लेते हैं इस क्वेश्चन को, है ना? बाबा कहते मुझे लगता है बीज की बात हो रही है, जैसे बीज, ठीक है, बहुत हाँ मतलब बोलिए, मतलब बीज खत्म हो जाता है ना, जैसे जब झाड़ आ जाता है तो बीज खत्म हो जाता है, मुझे ऐसा लगने लगा। बीज तो कभी खत्म नहीं होता, बीज तो शिव बाबा है ना। नहीं नहीं, अच्छा वैसे नहीं, धर्म की बात हो रही है, जैसे स्टार्टिंग का जो हाँ, बीज धर्म था तो उसको मैंने लगाया कि बीज धर्म हाँ, जैसे खत्म हुआ तो वो झाड़ बन गया, तो बीज बीज दिख रहा नहीं है, मगर धर्म तो था ओरिजिनली भी तो था, अब उसमें से दूसरे टाल टालियां निकल आए, दूसरे धर्म की स्थापना हो गई तो नीचे वो मर्ज्ड है, इट इज इट हैज टू बी इमर्ज्ड, तो प्रायलोप की बात जैसे करें ना। ठीक है ठीक है, इसके बारे में सोचते हैं, क्योंकि बाबा ने आदि सनातन देवी देवता धर्म भी नहीं कहा है, तो आदि सनातन धर्म कहा है बाबा ने। बाबा कहते हैं, तो बाप तुम सभी भारतवासियों को कहते हैं कि मीठे मीठे बच्चे, तुम सब आदि सनातन देवी देवता धर्म के थे, तुमने 84 जन्म लिए, ब्राह्मण देवता क्षत्रिय वर्ण में आए, अब फिर ब्राह्मण वर्ण में आए हो देवता वर्ण में जाने के लिए। गाते भी हैं, ब्राह्मण देवताएं नमः, पहले ब्राह्मणों का नाम लेते हैं, ब्राह्मणों ने ही भारत को स्वर्ग बनाया है, यह है ही भारत का प्राचीन योग, प्राचीन भारत का योग। आपको एक और चीज जान के खुशी होगी कि जितने भी सिविलाइजेशन से जिनको आप पढ़ रहे हो उनको एंशियंट माना प्राचीन सिविलाइजेशन ही कहा जाता है, तो और भारत को कभी प्राचीन नहीं कहा जाता इतना जितना उनको कहा जाता है। एंशियंट सिविलाइजेशन में हमारा सिर्फ एक ही होता है शायद, हरप्पा मोहनजोदारो, है ना, वही होता है ना, इंडस वैली, ह्यूमन एज है बिल्कुल, बाकी सारा उधर का सिविलाइजेशन है। तो भारत का प्राचीन युग, अब ये देखना समझना है कि कौन भारत है और प्राचीन किसको कहा जा रहा है,
इंडिया की तो इतनी बात होती नहीं है, इंडिया के बारे में ज्यादा लोगों को इतना पता भी नहीं, मतलब पता है योग सूत्र वगैरह सब कुछ पता है, लेकिन प्राचीन कहें सबसे पुरानी कहें ये ऐसा नहीं है। बाबा कहते हैं पहले पहले जो राजयोग था जिसका गीता में वर्णन है, गीता का योग किसने सिखलाया था यह भारतवासी भूल गए हैं। बाप समझाते हैं कि बच्चे योग तो मैंने सिखलाया था, यह है रूहानी योग, बाकी सब है जिस्मानी योग। सन्यासी आदि जिस्मानी योग सिखलाते हैं कि ब्रह्म से योग लगाओ, वह तो रॉन्ग हो जाता है। ब्रह्म तत्व तो रहने का स्थान है, वह कोई सुप्रीम रू नहीं ठहरा। बाप को भूल गए हैं, तुम भी भूल गए थे। जो हमने ग्रैहम हैंकॉक की जो नहीं सुने थे, आप लोगों ने सुने होंगे अगेन एंशियंट सिविलाइजेशन में, वो बोलता है कि ह्यूमन रेस इज द वन विद एमनीशिया। हमारी जो पूरी ह्यूमन सिविलाइजेशन जो भी है, हमें एमनीशिया हो रखा है, हम भूले हुए हैं कि क्या हुआ था, हमें भुला दिया गया है पहली बात तो, पर हम भूले हुए भी हैं। तो बाबा भी यही बोलते हैं, तुम भी भूल गए थे, बाप को भूल गए थे। बाबा कहते हैं तुम अपने धर्म को भूल गए हो, यह अभी ड्रामा में रूंद है। भूलना जरूरी है। बाबा ने बोला विलायत में योग था नहीं, जरूरी है बाबा जरूरी है, भूलना जरूरी है, ड्रामा में नूंद है। अब क्यों जरूरी है ये सोचना है। अच्छा, मुझे क्या होता अगर हम नहीं भूलते तो। ठीक 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 है, मैं इतने क्वेश्चन बोल नहीं रही हूँ पर मेंटली नोट कर रही हूँ। बाबा ने कहा विलायत में योग था नहीं, हट योग और राजयोग यहाँ ही है। वह निवृत्ति मार्ग वाले सन्यासी कब राजयोग सिखला ना सके, सिखाए वह जो जानता हो। सन्यासी लोग तो राजाई भी छोड़ देते हैं, गोपी चंद राजा का मिसाल है ना, राजाई छोड़ जंगल में चला गया, उसकी भी कहानी है। सन्यासी तो राजाई छुड़ाने वाले हैं, वह फिर राजयोग कैसे सिखला सकते हैं। अब अगर हम चेतना बहन, आपका जो मंथन था कल का, अपने हिसाब से तो सभी प्रवृत्ति मार्ग के ही है, चाहे सन्यासी हो, चाहे सेंटर की दीदी हो, चाहे गृहस्थ में रहने वाला हो, तो क्यों नहीं सन्यासी राजयोग सिखा सकते हो? अब इसमें ये बात नहीं चल रही है कि बाबा ही सिखा सकते हैं। बाबा ने ये पॉइंट आउट किया है कि जो निवृत्ति मार्ग वाले हैं वो नहीं सिखा सकते, वह निवृत्ति मार्ग वाले सन्यासी कब राजयोग सिखला ना सके। बाबा तो सिखा ही सकते हैं डेफिनेटली, पर वो क्यों नहीं सिखला सकते जबकि वो भी प्रवृत्ति मार्ग वाले ही हैं। मंथन करो क्या? मगर वो तो भाग रहे हैं उनके ना? संस्कार, वो जो संस्कार जो होते हैं वो नहीं होते उनके अंदर प्रवृत्ति मार्ग के, पर वो राजयोग सिखला सकते हैं ना, क्योंकि वो एक्चुअल में प्रवृत्ति तो मैनेज कर ही रहे हैं, मन बुद्धि संस्कार कितना कुछ को मैनेज कर रहे हैं। और आज देखो कितने सारे उन्हीं के पॉइंट से हम आगे राजयोग में आगे बढ़ रहे हैं। तो राजयोग तो सिर्फ बाबा ही सिखाते हैं ना, तो उन्होंने सीखा तो है नहीं बाबा से, तो कैसे सिखाएंगे? क्यों नहीं सिखाएं? हाँ बोलिए। ये सन्यासी तो राजा ही छोड़ने वाले हैं, तो फिर राजा कैसे बनेंगे? मन का भी राजा नहीं बनेंगे, इसलिए राजयोग नहीं सिखा सकते। पर बनते हैं ना मन का राजा वो, आपने ओम स्वामी की बुक पढ़ी, नहीं बनता मन का राजा वो। या कुछ विधि में डिफरेंस है? नहीं, आप मंथन करो, ये हमारे लिए इम्पोर्टेंट बात है क्योंकि हम उनको उनसे सीख रहे हैं। तो अगर हम कुछ गलत सीख रहे हैं तो हमें पता होना चाहिए। नहीं, मगर वो रिस्पॉन्सिबिलिटी छोड़ के कर रहे हैं ना, तो वो कैसे राजा की जैसे रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, हम राजा जैसे बात कर रहे हैं, तो वो रिस्पॉन्सिबिलिटी छोड़ के वो जाते हैं, तो वो चीज वो कैसे सिखा पाएंगे कि उस जगह पे रहते हुए उसको कैसे हैंडल करना है? देखिए विवेकानंद, आप बोलो गौतम बुद्ध, ये सब ओशो, ये सब छोड़ के गए हैं लेकिन वापस आए हैं सीख करके सोसाइटी को सर्व करने के लिए।
बाद में आए हैं, तो आप बोल रहे हो हाँ, सीख करके वापस आए हैं। ओशो ने अपनी किताब में ये बात बोली भी है, मैं पढ़ रही थी वॉइस ऑफ साइलेंस, एक बुक है ओशो की, उसमें उन्होंने ये बात बोली है कि पहले हम सब ही कटते हैं क्योंकि हमें खुद को समझना होता है क्या चल रहा है, और हम ज्ञान मार्ग में भी ये बहुत करते हैं, ज्ञान में आने के बाद हम कटने लग जाते हैं, हम समझना शुरू करते हैं क्या चल रहा है ज्ञान में, क्या चल रहा है बाबा क्या बोलना चाह रहे हैं, फिर जब समझ में आने लगता है तो स्वइच्छा से सेवा अर्थ जाते, जैसे हमारी दादियों ने भी किया, 12 साल की तपस्या, 14 साल की तपस्या करके सबसे कटे रहे वो माउंट आबू में, तो आप मानो सबसे ही कटे रहे, फिर लेकिन गए ना बाद में, बाबा ने उन सबको घर भेजा अपने अपने कि जाओ अब तुम विजयी होके आना, तो हम भी तो निवृत्ति मार्ग में सन्यासी की भी मतलब मतलब सन्यासी को भी हम जैसे अभी हम हट योग या ये बोलते हैं कि रिस्पांसिबिलिटी छोड़ के गए, मतलब कहीं ना कहीं वो जाके यदि बाद में सर्व कर रहे हैं तो मतलब दे आर आल्सो टेकिंग दैट पार्ट, करेक्ट। तो क्या बोले, क्योंकि बाबा की मुरली कभी भी स्थूल रीति से नहीं चलती है। प्रकृति बहन क्या उनको ये नॉलेज था कि मन बुद्धि संस्कार ये तीनों फैकल्टीज अलग है आत्मा की? बिल्कुल ओके बहुत अच्छे से पता है मन कैसे काम करता है, बुद्धि कैसे काम करती है। अगर आप अशोक भाई साहब की किताबें पढ़ो, कभी नहीं भी पढ़ो तो कोई बात नहीं, लेकिन अगर उनका लेक्चर आपने सुना होगा तो उन्होंने ये सारी चीजें सन्यासियों से ही सीखी है, उनकी किताबें पढ़ पढ़ के ही सीखी है, जो तत् स्पष्ट वो बता रहे हैं कहाँ से उनको ये ज्ञान मिला है। ओके तो सोचने की बात है, क्योंकि बाबा कहता है ना कि बाबा एक ही बार आकर राजयोग सिखाते हैं, ठीक है, और वो अभी संगम पे आके सिखाते हैं, तो जो सन्यासी है तो वो तो पहले होके गए ना, जैसे हम द्वापर में भी कहते हैं या कलयुग में भी है, वो वहां पे जब बाबा ने आके राजयोग सिखाया ही नहीं तो फिर वो कैसे सिखाएंगे, तो बाबा आके सिखाया कर तब आगे सिखाएंगे ना। करेक्ट। तो चेतना बहन मुरली की जो एक लाइन होती है ना जी, वो एक लाइन स्वयं में संपूर्ण है, बाबा का एक और स्पिरिचुअल लॉ, एक लाइन स्वयं में संपूर्ण है, एक लाइन पूरे पैराग्राफ के साथ संपूर्ण है, एक लाइन पूरी मुरली के साथ संपूर्ण है, हर एक चीज अलग भी एकदम सत्य बता रही है, जुड़कर भी सत्य बता रही है, बाबा की हर एक बात के अलग अलग भी वो सत्य है और जुड़कर भी सत्य है। तो अभी बाबा ने इस लाइन में ये कहा है, वह निवृत्ति मार्ग वाले सन्यासी कब राजयोग सिखला ना सके, यहाँ बाबा की बात नहीं है, यहाँ निवृत्ति मार्ग वालों की बात है, बाबा तो सिखाएंगे ही डेफिनेटली, वो तो सत्य है नहीं, इसीलिए वो नहीं सिखा सकते ना, क्योंकि उन्होंने अभी तक लिया ही नहीं है तो वो कैसे सिखाएंगे, वो तभी ब्रह्म तत्व वाली तक ही बात बताते हैं ना। नहीं भाई, विवेकानंद बाबा का बच्चा है, वो सारे सन्यासी जो फेमस हुए हैं वो इवेंचुअली बाबा के बच्चे ही बनने वाले हैं, वो फेमस ही इसलिए होते हैं क्योंकि वर्षा लिया है यहाँ से, बाबा ने क्या कहा तुमको बहुत अच्छा पार्ट मिला हुआ है, कल बाबा ने बोला ना, तो पार्ट सिर्फ संगम का और सत्योग त्रेता का नहीं है, पूरे कल्प में हमारा पार्ट चलता है। कृतिबेन सन्यासी विकार छोड़ते हैं क्या? हाँ नहीं छोड़ते, सन्यासी में भी तो सत्व प्रधान सत्व रजो तमो वाली स्टेट होती है। ठीक है, बाबा बताते हैं ना, उनकी वजह से तो थमा हुआ रहता है, कंट्रीब्यूट करते हैं, बाबा ने बात बोली है कि सन्यासियों से भी बहुत ज्यादा मदद मिलती है भारत को, अगेन भारत को, सन्यासी पूरे वर्ल्ड में होते हैं वैसे। बाबा कहते हैं वह निवृत्ति मार्ग वाले सन्यासी कब राजयोग सिखला ना सके, सिवाय वह जो जानता हो, सिखाए वो जो जानता हो, सन्यासी लोग तो राजाई भी छोड़ देते हैं, गोपीचंद राजा का मिसाल है ना, राजाई छोड़ जंगल में चला गया, उसकी भी कहानी है, सन्यासी तो राजाई छुड़ाने वाले हैं, वह फिर राजयोग कैसे सिखला सकते हैं? इस समय सारा झाड़ जड़ जड़ीभूत हो गया है। हिमा दीदी आप जरूर इस बात में मंथन करिए कि जो हमारे को ओम स्वामी सिखा रहा है वो कहीं राजाई छोड़ना तो नहीं सिखा रहा है। अच्छा तो उस पर भी हमें सोचना है ना। बाबा बोलते हैं अभी गिरा की गिरा, कोई भी जाड़ जब जर्जरी भूत हो जाता है तो अंत में उसको गिरना पड़ता है, वैसे यह मनुष्य सृष्टि रूपी झाड़ भी तमो प्रधान है, इसमें कोई सार नहीं है, इनका जरूर विनाश होगा, इनके पहले आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना यहाँ करनी होगी, सत्युग में कोई दुर्गति वाला होता नहीं।
यह विलायत में जाकर योग सिखलाते हैं परंतु वह है हट योग। ज्ञान बिल्कुल नहीं। हमें ये भी समझना है कि हट योग और राजयोग में क्या फर्क है, ये दोनों चीजें भी हमें समझनी है। अगेन हम अभी तक सारी चीजों को स्थूल रीति लेते आए हैं, पर स्थूल नहीं सूक्ष्म रीति भी हमें उन बातों को समझना है। बाबा ने कहा ज्ञान बिल्कुल नहीं, अनेक प्रकार के हट योग हैं, यह है राजयोग, इसको रूहानी योग कहा जाता है। वह सब है जिस्मानी, मनुष्य मनुष्य को सिखाने वाले हैं, बाप बच्चों को समझाते हैं कि मैं तुमको एक ही बार यह राजयोग सिखाता हूं और कोई कदाचित सिखा ना सके। रूहानी बाप रूहानी बच्चों को सिखाते हैं कि माँ एकम याद करो तो तुम्हारे सब पाप मिट जाएंगे। तो अगर हम दिन भर बॉडी कॉन्शियसनेस में हैं, रूहानी बच्चे हैं ही नहीं, तो क्या बाबा की याद और पाप याद रहेगी और पाप मिटेंगे? तो किस चीज पे ध्यान देना है? जितना हो सके रूहानी रहने का, रूह में स्थित होने का ही जितना हम पुरुषार्थ करेंगे उतना ही हमारे पाप मिटेंगे। नहीं तो हम कितना भी मुख से माला की तरह बाबा 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 बोलते रहें, करते रहें, दिन भर इधर से उधर करते रहें और बाबा हाँ है बुद्धि में, लेकिन खुद को आत्मा समझा नहीं है तो विकर्म विनाश हो नहीं सकते। बाबा कहते हैं हट योग कब ऐसे कह ना सके, बाप आत्माओं को समझाते हैं, यह नई बात है। बाप तुमको अब देही अभिमानी बना रहे हैं। बाप को देह है नहीं, इनके तन में आते हैं, इनका नाम बदल देते हैं क्योंकि मर्जीवा बना है। जैसे गृहस्थी जब सन्यासी बनते हैं तो मर्जीवा बने, गृहस्थ आश्रम छोड़ निवृत्ति मार्ग ले लिया। तुम्हारा भी मर्जीवा बनने से नाम बदल जाता है। पहले शुरू में सबके नाम लाए थे, फिर जो आश्चर्यवत सुनंती कथंती भागंती हो गए तो नाम आना बंद हो गया। इसलिए अब बाप कहते हैं कि हम नाम दें और फिर भाग जाए तो फालतू हो जाता है, इनएक्यूरेट हो गया, इनएफिशिएंट हो गया। बाबा कभी ऐसा कर्म करेगा नहीं जो इनएफिशिएंट है। बाबा कहते हैं पहले आने वालों के जो नाम रखे वो बहुत रमणीक थे, अब नहीं रखते हैं। उनका रखे जो सदैव कायम भी रहे, बहुतों के नाम रखे फिर बाप को फारगति दे चले गए, इसलिए अब नाम नहीं बदलते हैं। आप में से किसको लग रहा है कि यहाँ बाबा सिर्फ स्थूल नाम की बात नहीं कर रहा है, शायद कुछ और भी कर रहा है? कोई सोच पा रहा है? मेरे को तो एक क्वेश्चन दूसरा अराइज हो रहा है। बाबा को तो ये बात पहले ही पता होगी कि नाम रखने से ये सब चीजें होंगी, तो फिर बाबा रखे ही क्यों? रखे ही क्यों? सही बात है ना? मेरा क्वेश्चन उठ रहा था, सॉरी मैं ना, बाबा को सब पता था ना, फिर इसका आंसर ये आया है कि बाबा कर करके दिखा रहे। हाँ ये भी हो सकता है, बाबा हर चीज रोल अदा करके दिखा रहे हैं ना, इसलिए शायद बाबा ने रखा और वो दिखाया कि देखो इसे भाग जाते। तो फिर उनमें और हमें क्या डिफरेंस है, हमें क्या सीखना है बाबा से? हमें जो बाबा दिखा रहा है करके जो उन्होंने दिखाया उनको फॉलो करना है ना, कि बाबा ने कहा जैसे ऐसे ऐसे हमको नहीं करना है। नहीं तो हमने बाबा की कौन सी बात इस बात से सीखी? बाबा ने सीखी कि आप भी अनुभव मुहूर्त बनो और अनुभव करके लोगों को दिखाओ, ऐसे मत करो। मतलब अगर बाबा की ज्ञान का हम वैल्यू नहीं कर रहे हैं तो ये चीज हमें भी इनएफिशिएंट बना देगी। नहीं मैं तो ये सीख रही हूँ कि मैं भी ऐसे बाबा की तरह एग्जांपल क्रिएट करके दिखाऊं। जैसे कोई एग्जांपल दो। जैसे एग्जांपल दे रही हूँ कि भाई जैसे गुस्सा करने से ये होता है, तो जैसे पहले मैं गुस्सा करती थी, लग रहा था कि मेरा इम्प्रेशन अच्छा नहीं है, अब मैं गुस्सा नहीं करती हूँ तो मेरा इम्प्रेशन अच्छा होने लग गया, तो लोगों को दिखेगा ना कि देखो भाई ये पहले इतना गुस्सा करती थी किसी को भी प्यारी नहीं लगती थी, लेकिन अब गुस्सा नहीं करती सबको प्यारी लगती, तो एक एग्जाम्पल क्रिएट हुआ।
कि भाई सबसे प्यार करने से ही। और क्या सीखा और बताइए। हाँ संदीप भाई, मुझे ऐसे लग रहा है कि जैसे परखने की शक्ति, मुझे ऐसा आया जस्ट अभी आपने जब बोला कि ज्ञान मंथन करो या करो, तो मतलब हम जिससे भी कभी रिलेशन रखते हैं या कोई हम कभी बात कर रहे होते हैं तो हमारे थोड़े एक्सपीरियंसेस, जैसे हम किसी को ज्ञान भी दे रहे हैं उसको कोई असर नहीं हो रहा है या चेंजेस नहीं आ रहे हैं, तो मतलब कहीं पात्रता भी देख लेते हैं हम, पात्रता होती है नहीं है, वो इंटरेस्टेड नहीं है, तो कहीं ना कहीं फिर उसको एक एक मतलब परख लेते हैं कि अगली बार से मतलब इसको ये चीज की जरूरत नहीं है, नेक्स्ट टाइम देने की जरूरत नहीं है, ऐसा मुझे लगा। जबकि स्टार्टिंग में मुझे भी आया था कि बाबा को जब मालूम है ये सब चीजें तो क्यों ऐसा उसको सब मतलब, मगर स्टिल ही वांटेड टू शो दैट ड्रामा, कि ड्रामा में मेरा भी पार्ट है और मैंने किसी को नाम दिया है और बाद में वो भाग गए तो चले गए तो मतलब उनका नाम फिर नहीं आएगा, तो वो मतलब ड्रामा में पार्ट है, उसमें भी मैं नूदा हुआ हूँ, मैं भी मतलब पार्ट मैंने एक बार हमने डिसाइड कर लिया है कि ये तो पिक्चर का ये पार्ट है तो पार्ट है। तो उससे हमने क्या सीखा? नहीं उस सीखा तो मुझे तो वही लगा, मैंने जैसे आपको बताया कि परखने की, मुझे लगा कि शायद मतलब शक्ति हमारी कैसी है कि जो हमारे रिलेशंस बनते हैं उसके बाद कैसा। हाँ प्रतिभा, संदीप भाई की बात से ऐसा लगा इससे हमारी शायद निर्दोष दृष्टि बन सकती है कि अगर कोई नहीं भी चल पा रहा है तो। अच्छा, ये तो होना ही है। और क्या लगता है सोनिया दीदी, बताओगे? आपके जाने का टाइम हो रहा है इसलिए जल्दी बता दो। नहीं प्रतिबन। हाँ हेमा दीदी, मुझे ऐसे लग रहा है कि बाबा जैसे इस मार्ग में हम उतार चढ़ाव दोनों होता है। हाँ। और बाबा ये मीन कर रहे हैं कि गिर भी जाए तो फिर से उठना है। हाँ, छोड़ के नहीं जाना है। उन्होंने ये बात बोली नहीं ना, उन्होंने बस ये कहा पहले शुरू में सबके नाम लाए थे, फिर जो आश्रय व सुनंती कथंती भागंती हो गए तो नाम आना बंद हो गया, इसलिए अब बाप कहते हैं कि हम नाम दें और फिर भाग जाए तो फालतू हो जाता है। तो अच्छा पुरुषार्थ जैसे करते हैं, अच्छा पुरुषार्थ करते हैं, बाबा ने किसी को राजऋषि बोल दिया और फिर गिर के फिर आगे नहीं बढ़ पाया, वो छोड़ के चला गया। हाँ फिर तो वो राजऋषि नाम वो हो गया ना। पर लेकिन यहाँ क्वेश्चन ये है कि बाबा को तो मालूम होगा ना कि गिरेगा। प्रतिबेन, यहाँ जैसे बाबा को तो सब कुछ मालूम है, फिर भी बाबा आकर इंसान के लेवल पर सबको सिखा रहे हैं, हमारे बीच आके सब कुछ पार्ट अदा कर रहे हैं वो। तो क्या सिखा हमारे रहे पार्ट बाप तो समान बनने की विधि बता रहे हैं। क्या विधि दिखाई है यहाँ पे? हिट एंड ट्रायल, जैसे कहते हैं ना कि ऐसे ट्रायल किया था वो भाग गए तब कोई फायदा नहीं है, अब उसके पीछे मत पड़ो, अब रखना बंद कर दिया उन्होंने नाम। या अपने लिए क्वेश्चन है कि हम कौन सी स्थिति में हैं, चेक कर लो। हाँ। कि तुम भी ऐसे ही तो नहीं हो कि पहले एकदम हवा में उड़े और अब उतना तुम्हारा। अच्छा एक क्वेश्चन है आप लोगों के लिए, अगर आपको पता होता है कि यहाँ जाना ये करना बेकार ही है तो आप करते हो या नहीं करते हो? नहीं करते। बिल्कुल नहीं करते, करते हूं, बिल्कुल नहीं करते। और बाबा ने क्या किया? किया बाबा ने अपना कर्तव्य पूरा। तीन तरह के इंसान होते ना, एक हाँ, करके पछताते हैं, एक दूसरे को देख के करते, एक बिल्कुल ही देख के वो जाते स्टॉप हो जाते कि नहीं अब इस रास्ते जाना ही नहीं है, ऐसे होता है। नहीं मतलब हमें व्यर्थ को समर्थ बनाना है। हाँ बाबा ने क्या किया, बाबा को पता है कि भाग जाएंगे बच्चे, जिनको नाम दूंगा वो भागे, है ना, पता होती है बाबा को ये बात, लेकिन फिर भी बाबा देते हैं क्योंकि बाबा का कर्तव्य है देना, अपना बाबा कर्तव्य पूरा कर रहे हैं। जज करना कर्तव्य नहीं है बाबा का, जजमेंट नहीं है बाबा। जो करे बाबा आके हमें देते हैं ना, ज्ञान दे रहे हैं, सबको दे रहे हैं, एक बराबर दे रहे हैं, उसका काम है देना। हाँ। वो देगा कि सब बच्चे चेंज हो जाए, लेकिन बच्चे नहीं होते हैं या अभी ज्ञान में, जो हम लोग भी बोलते हैं बाबा के बच्चे, रोज तो बोलता है वो ये मत करो वो मत करो, रोज हम लोग चेंज हो जाते हैं। मतलब ही जस्ट गिव्स, इट इज हिज जॉब टू गिव, मतलब बाबा ने देना है, बाकी उसको आपने अडॉप्ट करना है, अपने लाइफ में धारण करना है, नहीं करना है, भाग जाना है, वो आपके ऊपर है कि आप अपना भाग्य बनाना चाहते हैं कि नहीं बनाना चाहते। तो बाबा की दृष्टि क्या रहती है? समभाव वाली, सारे बच्चे एक समान है, सबके साथ नॉन जजमेंटल। करेक्ट। हाँ, नॉन जजमेंटल। करेक्ट। के भले ही वो भागे वो उसका भाग्य,
लेकिन मेरा कर्तव्य क्या है। लेकिन अगर मुझे पता हो कि मैं इसको दूंगी टोली खाएगा नहीं फेंक देगा तो हम देंगे ही नहीं, क्यों दे। हम करेंगे ऐसे पर बाबा नहीं करता ऐसे। करेक्ट, हम पहले जजमेंटल हो जाते हैं, हम तो बहुत ज्यादा हो जाते हैं पहले ही, तो क्योंकि हमारी दृष्टि अभी बहुत जजमेंटल हो गई, अभी हमारी यूनिवर्सल दृष्टि नहीं है, बेहद की दृष्टि नहीं है। हर पल हम जजमेंटल होते हैं, हर बात में, हर इंसान को लेके। तो ये संस्कार हमने बाबा का यहाँ सीखा। हाँ सपना बहन, कुछ बोल रहे हैं आप? अच्छा ठीक है, बाबा ने बोला पहले आने वालों के जो नाम रखे वो बहुत रमणीक थे, अब नहीं रखते हैं, उनका रखे जो सदैव कायम भी रहे। बहुतों के नाम रखे फिर बाबा को फारकती दे चले गए, इसलिए अब नाम नहीं बदलते। बाप समझाते हैं कि यह ज्ञान कृष्ण की बुद्धि में भी बैठेगा, इतना समझेंगे कि भारत का योग निराकार बाप ने ही आकर सिखाया था। बाप को याद करने से ही पाप भस्म होंगे और हम अपने घर चले जाएंगे। जो इस धर्म का होगा और कन्वर्ट हो गया होगा वो ठहर जाएगा सॉरी वह ठहर जाएगा। तुम जानते हो कि मनुष्य मनुष्य की सदगति नहीं कर सकते। अब एक और क्वेश्चन है, बाबा बोलते हैं, बाप समझाते हैं कि यह ज्ञान कृष्ण की बुद्धि में भी बैठेगा, तो कृष्ण सतयुग में क्यों नहीं आएंगे? इतना समझेंगे कि भारत का युग निराकार बाप ने ही आकर सिखाया था। बाप को याद करने से ही पाप भस्म होंगे और हम अपने घर चले जाएंगे। जो इस धर्म का होगा और कन्वर्ट हो गया होगा तो वह ठहर जाएगा। तो जब उनको पता चल, जब वो कर रहे हैं, वो भी ज्ञान ले रहे हैं, बाबा को याद कर रहे हैं, तो हम में क्या ऐसी स्पेशलिटी है कि हम सतयुग में आते और वो नहीं आते? ये भी क्वेश्चन है। बाबा कहते हैं तुम जानते हो कि मनुष्य मनुष्य की सदगति नहीं कर सकते। यह दादा भी मनुष्य है, यह कहता है कि मैं किसकी सदगति नहीं कर सकता। यह तो बाबा हमको सिखलाते हैं कि तुम्हारी सदगति भी याद से होगी। अब अगेन, तुम्हारी सदगति भी याद से होगी, सदगति भी याद से होगी, गति भी याद से होगी, तो कैसे पता चले किसकी सदगति होगी और किसकी गति होगी? बाबा कहते हैं, बाप कहते हैं बच्चे हे आत्माओं मेरे साथ योग लगाओ तो तुम्हारे कर्म विनाश होंगे। तुम पहले गोल्डन एजेड प्योर थे, फिर खाद पड़ गई है। जो पहले देवी देवता 24 कैरेट सोना थे, अब आयरन एज में आकर पहुंचे हैं। यह योग कल्प कल्प तुमको सीखना पड़ता है। तुम जानते हो, उसमें भी कोई पूरा जानते, कोई कम जानते। कोई तो ऐसे ही देखने में आते हैं कि यहाँ क्या सिखाते हैं। ब्रह्मा कुमार कुमारियां इतने ढेर बच्चे हैं, जरूर प्रजापिता ब्रह्मा होगा ना जिसके इतने बच्चे आकर बने हैं, जरूर कुछ होगा तो जाकर उन्होंने पूछे तो सही, ये बच्चे कैसे बन रहे हैं जाकर पूछे तो सही। बाबा कहते हैं तुमको प्रजापिता ब्रह्मा से क्या मिलता है, पूछना चाहिए ना, परंतु इतनी बुद्धि भी नहीं है। भारत के लिए खास कहते हैं, गाया भी जाता है पत्थर बुद्धि सो पारस बुद्धि, पारस बुद्धि सो पत्थर बुद्धि। सत्युग त्रेता में पारस बुद्धि गोल्डन एज थे, फिर सिल्वर एज दो कला कम हुई, इसे नाम पड़ा चंद्रवंशी, क्योंकि नापास हुए हैं। यह भी पाठशाला है। हाँ मनीष भाई कुछ कह रहे हो? नापास मीनिंग फेल, डिड नॉट पास। यह भी पाठशाला है। 33 मार्क्स से जो नीचे होते हैं वह फेल हो जाते हैं। अब 33 मार्क्स क्या है, ये भी मंथन का टॉपिक है। वही तो मिनिमम होते हैं ना जो डिग्री में। हाँ करेक्ट, लेकिन यहाँ 33 मार्क्स क्या है, ज्ञान में, ये भी तो पढ़ाई है। तो यहाँ 33 मार्क्स किसको कहेंगे, वो भी समझना है। बाबा कहते हैं राम सीता फिर उनकी डायनेस्टी संपूर्ण नहीं है, इसलिए सूर्यवंशी बन ना सके। नापास तो कोई होंगे ना
क्योंकि इम्तिहान भी बहुत बड़ा है आगे, गवर्नमेंट का ICS का बड़ा इम्तिहान होता था। सब थोड़े ही पढ़ सकते थे, कोटों में कोई निकलते हैं, कोई चाहे तो हम सूर्यवंशी महाराजा महारानी बने तो उनमें भी बड़ी मेहनत चाहिए। मम्मा बाबा भी पढ़ रहे हैं श्रीमत से, वे पहले नंबर में पढ़ते हैं, फिर जो मात पिता को फॉलो करते वही उनके तख्त पर बैठेंगे। ये बहुत अच्छी बात बाबा बोलते हैं, जो 108 की माला है या अष्टरत्न है, देखिए ना आप लोगों ने 108 माला देखिए, रुद्र माला, रुद्राक्ष वाली, करेक्ट, ये माला है ना। अब अगर 108 की माला में पुरोए जाना है तो एक दाने का दूसरे दाने से तीसरे दाने से स्नेह होना चाहिए, क्योंकि जुड़े हैं एक दो से। अगर एक दो से जुड़े हैं, स्नेह है, तभी माला में पिरोए जाते हैं। और जो अष्ट रतन है या नौ रतन की अंगूठी होती है उसमें भी सब बाबा से भी जुड़े हैं। यहाँ पे देखो, बाबा से दो युगल जुड़े हैं, मना ब्रह्मा बाबा और मम्मा, और फिर विस्तार है, उनसे जुड़े उनसे जुड़े उनसे जुड़े। लेकिन जो अष्ट रतन की अंगूठी होती है, नौ रतन, देखिए आपने नौ रतन अंगूठी रिंग, ये नग होता है, हाँ ये होती है आइडली, इसमें इससे नौ रतन आठों रतन जुड़े होते हैं, एक दो से भी जुड़े हैं और बाबा से भी बहुत समीप का रिश्ता है। तो अष्ट रतन में आना है या 108 में आना है तो समझना है कि कहां पर हमारा कितनों से कितना स्नेह है, किनारा तो नहीं करते हैं, कितनों से प्यार करते हैं, कितनों को साथ रखते हैं, कितनों को सहयोग देते हैं। क्योंकि घृणा करना तो बहुत आसान है, बनाए रखना मुश्किल। तो बाबा कहते हैं वे पहले नंबर में पढ़ते हैं, फिर जो मात पिता को फॉलो करते वही उनके तख्त पर बैठेंगे। सूर्यवंशी आठ डिनास्टी चलती है, जैसे एडवर्ड दी फर्स्ट द सेकंड चलता है। तुम्हारा कनेक्शन इन कृष्ण से अधिक है, कृष्ण घराने ने भारत की राजाई हप की, ये भी हमें रिसर्च करने का पॉइंट है। बाबा कहते हैं भारत का अथाह धन ले गए, फिर विचार करो तो सतयुग में कितना अथाह धन होगा, वहां की भेंट में तो यहाँ कुछ भी नहीं है, वहां सब खानियां भरतू हो जाती है, अब तो हर चीज की खानियां खाली हो जाती है। क्या इसका मतलब हम एनर्जी ट्रांसफर से भी समझ सकते हैं, वो भी हमें मंथन करना है। हिमा दीदी करके बताइएगा क्या लगता है जी। हाँ जी, एनर्जी ट्रांसफर से बाबा कहते हैं फिर चक्र रिपीट होगा तो फिर सब खानियां भरती हो जाएगी। मीठे मीठे बच्चों, तुम अब रावण पर जीत पाकर राजाई ले रहे हो, फिर आधा कल्प बाद यह रावण आएगा, फिर तुम राजाई गवा बैठेंगे। अभी भारतवासी तुम कौड़ी मिसल बने बन गए हो, हमने तुमको हीरे जैसा बनाया, रावण ने तुमको कौड़ी जैसा बनाया। समझते नहीं कि यह रावण कब आया, हम क्यों उनको जलाते हैं, कहते हैं कि यह रावण तो परंपरा से चला आता है। बाप समझाते हैं कि आधा कल्प के बाद यह रावण राज्य शुरू होता है। विकारी बनने कारण अपने को देवी देवता कह नहीं सकते, वास्तव में तुम देवी देवता धर्म के थे, तुम्हारे जितना सुख कोई नहीं देख सकते, सबसे अधिक गरीबी तुम बने हो। दूसरे धर्म वाले बाद में वृद्धि को पाते हैं, क्राइस्ट आया पहले तो बहुत थोड़े थे, 12 ही थे क्राइस्ट के साथ, जो 12 ही गॉस्पल्स, जो 12 ही उसके सहयोगी थे शुरू में, और उस समय सब उसके विरोधी थे, तभी तो उसको उस पे चढ़ा दिया क्रॉस पे, बाद में जाकर उसके सहयोगी बने लोग। बाबा कहते हैं जब बहुत हो जाए तब तो राजा ही कर सके, तुमने तो पहले, तुमको तो पहले राजा ही मिलती है, यह तो सब ज्ञान की बातें हैं, क्योंकि हम राजा ही यहाँ स्थापन कर रहे हैं, हम वहां जाके राजा ही स्थापन नहीं करते, यहीं से जो हमारे राज्य के हैं उनको साथ लेके जाते हैं, नंबर दिला के गेट पास दिलाकर लेकर जाते हैं, तुम अभी आना, तुम अभी आना, सब कुछ डिसाइड करके यहीं से जाते हैं,
कुछ भी अनडिसाइडेड नहीं है, अनप्रिडिक्टेड नहीं है वहां पर. बाबा कहते हैं यह तो सब ज्ञान की बातें हैं. बाप कहते हैं हे आत्माएं मुझ बाप को याद करो. आधा कल्प तुम देह अभिमानी रहे हो, अब देही अभिमानी बनो. घड़ी घड़ी यह भूल जाते हो क्योंकि आधा कल्प की कट झड़ी हुई है, आदत लगी है. इस समय तुम ब्राह्मण चोटी हो, तुम हो सबसे ऊंच. बाबा नशा चढ़ाते हैं. बाबा कहते हैं सन्यासी भ्रम से योग लगाते हैं, उनसे विकर्म विनाश नहीं होते. हर एक को सतो रजो तमो में आना जरूर है, वापस कोई भी जा नहीं सकते. जब सभी तमो प्रधान बन जाते हैं तब बाप आकर सभी को सतो प्रधान बनाते हैं, अर्थात सभी की ज्योति जग जाती है. तभी तो बाबा का नाम इतना बाला है. अगर कोई तमो प्रधान, कोई तमो, कोई सतो प्रधान की स्थिति में आ जाए बाबा और उनको सबको सतो प्रधान बनाए तो बाबा का नाम इतना बाला थोड़ी होगा. इतने गिरी हुई आत्माओं को इतना ऊंचा उठाया, तब तो वो भगवान है, तब तो हर एक आत्मा उसको याद करती है. बाबा कहते हैं हर एक आत्मा को अपना अपना पाठ मिला हुआ है. तुम हो हीरो हीरोइन पाठधारी, तुम भारतवासी सबसे ऊंचे हो जो राज्य लेते हो फिर गंवाते हो. और कोई राज्य नहीं लेता, वह राज्य लेते हैं बाहुबल से. बाबा ने समझाया है जो विश्व के मालिक थे वही बनेंगे. तो सच्चा राजयोग बाप के सिवाय कोई सिखला ना सके. जो सिखाते हैं वह सब अयथार्थ योग है, वापस तो कोई जा नहीं सकते. अभी है अंत, सभी दुख से छूटते हैं फिर नंबर वार आना है. पहले पहले सुख देखना है फिर दुख देखना है. यह सब समझने की बातें हैं. कहा जाता है हथ काड़े दिल याडे, काम करते रहो बाकी बुद्धि योग बाप से हो. लेकिन अगर बुद्धि काम में लगी होगी तो बाबा को याद नहीं कर सके. बाबा कहते हैं तुम आत्माएं आशिक हो एक माशूक की, अभी वह माशूक आया हुआ है. सभी आत्माओं को गुल गुल बनाए ले जाएंगे. बेहद का साजन बेहद की सजनिया है. कहते हैं मैं सबको ले जाऊंगा, फिर नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार जाकर पद पाएंगे. भल गृहस्थ व्यवहार में रहो, बच्चों को संभालो. हे आत्मा तुम्हारे दिल बाप की तरफ हो, डायरेक्शन है बाबा का. यही याद की प्रैक्टिस करते रहो. बच्चे जानते हैं अभी हम स्वर्गवासी बनते हैं बाप को याद करने से. स्टूडेंट को तो बहुत खुशी में रहना चाहिए, यह तो बड़ा सहज है. ड्रामा अनुसार सबको रास्ता बताना है, ड्रामा अनुसार बताना है. कोई से डिबेट करने की दरकार नहीं है. अभी तुम्हारी बुद्धि में सारी नॉलेज आ गई है. मनुष्य बीमारी से छूटते हैं तो बधाइयां देते हैं, यहाँ तो सारी दुनिया रोगी है. थोड़े समय में जय जयकार हो जाएगी. बाबा आश्वासन देते हैं बस थोड़ा ही समय बचा है, जय जयकार हो जाएगी. अच्छा मीठे मीठे सिखी लदे बच्चों प्रति मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग. रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते. हम रूहानी बच्चों की चलिए बताइए धारणा के लिए आज का पॉइंट. मनीष भाई आप बताओगे? मनीष सोच रहा हूँ. अच्छा ठीक है, दो मिनट. हाँ बताइए. मुझे नॉन जजमेंटल बनना है. अच्छा कैसे बनेंगे? ये तो कल का क्वेश्चन भी था. साक्षी होके. साक्षी होके क्या करेंगे? अच्छा चलो ठीक है करके बताना. साक्षी होके तो आप ये समझोगे कि आप जजमेंटल हो. संस्कार को परिवर्तन कैसे करोगे? अच्छा ठीक है बताइएगा. हाँ मानसी बहन आप बताएंगे. हाँ जी मेरा भी यही पॉइंट मैंने सोचा था कि नॉन जजमेंटल. नॉन जजमेंटल और दूसरी पापा ने बोला ना कि काम करते हुए भी दिल बाप की तरफ हो. दिल बाबा से लगी रहे. ठीक है बताना कैसे किया, युक्ति क्या रची आपने. हाँ जी सपना बहन बताइए. आज पूरे दिन बस बाबा की एक ही याद में रहने की कोशिश करनी, हाथ काटते और दिल बाप जी.
ठीक है सर। हाँ सोनी बहन बताइए। प्रतिभान यही था, अभी मैं कर ही रही थी और बोला ना कि सिकार्डे दियार्डे, तो मेरा भी यही आज रहेगा। और वो जो नॉन जजमेंटल वाला कल मेरे को रहा, जजमेंटल रहा, मैं अपने थॉट्स पे उस पे भी वर्क करूंगी। हाँ। अगर मेरी दृष्टि अगर ऐसी होती है किसी के प्रति तो क्यों हो रही है, आई विल फाइंड आउट द रीजन। और उसको परिवर्तन कैसे करोगे उसमें आई एम इंटरेस्टेड। हाँ 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 नॉन जजमेंटल स्थिति है क्या? हाँ वो है क्या, और मतलब पहले रीजन जानूंगी क्यों हो रहा है ऐसे, तो और फिर रूट कॉज जान के मैं वर्क करूंगी कि किस चीज पे वर्क करना है जो इतनी निर्दोष दृष्टि, मतलब ऐसे दृष्टि बन जाए सबके प्रति। जैसे बाप की दृष्टि आज ही कितना अच्छा वंडरफुल बताया ना कि बाबा तो फिर भी देता ही है। चेतना बहन बताइए। बाबा ने बोला ना डिबेट नहीं करनी है किसी से, तो डिबेट लिखेगा बहुत लंबा चौड़ा वो है, इट इज नॉट ओनली अबाउट ज्ञान की, अदरवाइज भी अपने मन के अंदर भी क्या चलता है। डिबेट नहीं करनी है जो चीज करूंगी। तो कैसे करोगे बताना, क्या किया, विधि क्या अपनाई, वो इम्पोर्टेंट है। हाँ ठीक है ठीक है ठीक है। कृष्णा बहन आप बता सकते हो? ठीक है। रितु बहन आप बताएंगे? ओके संदीप भाई, मेरे लिए यह है, मैंने मेरे को हाँ मेरे लिए मेरे को जैसे इसमें भी थोड़ा सा स्टार्टिंग में जो टच हुआ कि मतलब एक्टर हैं तो एक्टर कर्म करते हैं, तो मुझे पूरे दिन भर में अपने आप को एक अटेंशन में रखूंगा कि मैं जो एज ए एक्टर एक्ट कर रहा हूँ मेरा कहाँ कहाँ, जैसे वो मेरे मन की बात थी जैसे वो वही कंटिन्यूस हो रहा है, जैसे मैं अपने अंदर ही मेरे मन में अंदर स्वर्ग की बात हुई, या मैं मेरा मॉनिटर करना चाहूंगा कि मैं कहाँ कहाँ जा रहा हूँ, उसको कहाँ मुझे अटेंशन देनी है, क्या करेक्शन करना है। आई विल जस्ट ट्राई टू मॉनिटर दैट एज ए एक्टर, एज ए एक्टर में यहाँ पे कितना कैसा प्ले पार्ट जो बाबा ने ऊंचे तो ऊंचा पार्ट दिया है, क्या वो पार्ट प्ले कर रहा हूँ या नहीं कर रहा हूँ, प्ले हो रहा हूँ या विद रेफरेंस टू दैट। करेक्ट करेक्ट ओके। हाँ कृष्णा बहन बताइए। बाबा ने कहा है ना कि तमो प्रधानता जब हो जाती है तभी बाबा आते हैं, तो जैसे मैंने ऐसा सोचा कि यानी कि जब हम मेटलिस्टिक हो जाते हैं यानी देह अभिमान में आ जाते हैं तभी बाबा आता है, तो मैं आज आत्मिक स्वरूप में रहने की कोशिश करूं। अच्छा फिर क्या विघ्न पड़े, किस विधि से रहे, विघ्नों को कैसे जीता, ये सब बात बताना। कितनी देर रहे मेरी बात तो यही क्वेश्चन होगा। हाँ तो कितनी कम रहने का कारण ही तो विघ्न है ना, तो क्या विघ्न आए, कितनी देर रहे, भूलना कारण है, जैसे भूल जाते हैं। क्यों भूलते हैं, क्या याद करते हैं, बुद्धि कहाँ जाती है, बुद्धि उस स्थूल वर्क में या स्थूल डिस्कशंस में या स्थूल में फंस जाती है, मतलब उसमें आ जाती है, उसकी विस्मृति हो जाती है। तो इधर स्मृति में क्यों फंसती है, क्योंकि दिन भर काम करते हैं ना, तो वो वाली बात हो गया कि ये ध्यान रखना पड़ेगा कि दिल मतलब हाथ काटे दिल याद दे वाली बात करनी पड़ेगी। ठीक है ठीक है। हाँ। सब बैलेंस की स्थिति होगी कि कितना हम इसमें बैलेंस बिठा पाते हैं। आप बताइएगा आज अपनी विधि से अपनी समझ से कौन सी स्थिति रही, क्या एक ही सेकेंड में दोनों काम हो सके, नहीं हो सके। मैं आज पूरे दिन स्टूडेंट की उसमें रहूंगी। अच्छा बहुत बढ़िया। सीतु बहन बताइए, आप बताना चाहेंगे? ओम शांति सीतु बहन। ओम शांति दीदी। बताइए कुछ लगा आपको पॉइंट दीदी? हम आज पूरे दिन ये कोशिश करेंगे कि आसपास जितनी भी नेगेटिविटी है वो हमारे ऊपर हावी ना हो, शांत रहें हम। अच्छा ठीक है ठीक है, विधि बताइएगा कैसे किया है ना। ओके दीदी ओके थैंक यू। मेरा पॉइंट मैं शेयर करूंगी ग्रुप पे थोड़ी देर में। बाबा ने बोला हाँ ओके तो आज की धारणा के पॉइंट है, पहला बाबा ने बोला सच्चे सच्चे आशिक बन, हाथों से काम करते
बुद्धि से माशुक को याद करने की प्रैक्टिस करनी है। बाप की याद से हम स्वर्गवासी बन रहे हैं, इस खुशी में रहना है। दूसरा पॉइंट बाबा ने बोला, सूर्यवंशी डिनास्टी में तख्त नशीन बनने के लिए मात पिता को पूरा पूरा फॉलो करना है। बाप समान नॉलेजफुल बन अपने सबको रास्ता बताना है। वरदान बाबा ने बोला है, अटूट कनेक्शन द्वारा करेक्ट करंट का अनुभव करने वाले सदा माया जीत विजयी भव। जैसे बिजली की शक्ति ऐसा करंट लगाती है जो मनुष्य दूर जाकर गिरता है, शॉक आ जाता है, ऐसे ईश्वरीय शक्ति माया को दूर फेंक दे, ऐसी करंट होनी चाहिए। लेकिन करंट का आधार कनेक्शन है। चलते फिरते हर सेकेंड बाप के साथ कनेक्शन जुटा हुआ हो, ऐसा अटूट कनेक्शन हो, तो करंट आएगी और मायाजीत विजयी बन जाएंगे। स्लोगन बाबा ने दिया है, तपस्वी वह है जो अच्छे बुरे कर्म करने वालों के प्रभाव के बंधन से मुक्त है। देखो आज आपने जो नॉन जजमेंटल का धारणा लिया है उसके लिए बाबा ने और सुंदर शब्दों में बोला है, तपस्वी वह है जो अच्छे बुरे कर्म करने वालों के प्रभाव के बंधन से मुक्त है। साथी मुझे ऐसा लग रहा है बाबा साथी बनाया कि हम लोग अगर ये करेंगे तो साथी रहेगा हमारे को इसी से। परम डायरेक्शन है आज का ये। करेक्ट, लेकिन सोचने वाली बात ये है कि हम किस भाषा में समझते हैं और बाबा किस भाषा में समझाते हैं। हाँ ये बात भी इम्पोर्टेंट, ये सबसे इम्पोर्टेंट है एक्चुअली। हमारी भाषा भी बाबा की भाषा से मेल नहीं खाती है, क्योंकि बाबा टेस्ट भी करता है, पता है आपको। हाँ करेक्ट। चलिए ठीक है, ओम शांति। ओम शांति। आज आज कितने बजे क्लास होगा? 2 PM। 2 PM तो 2 PM तक धारणा के लिए कुछ निष्कर्ष निकाल लेंगे सभी। ठीक है, बताना कैसा रहा। साथी मैं 3 बजे तक बोल पाऊंगी, प्रैक्टिकल है तो मैं लेकिन ज्वाइन हो जाऊंगी, है ना? ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं। हाँ जी ठीक है, चलिए सभी को ओम शांति।